समाज में तीन तलाक पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाए गए मुस्लिम महिला विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। आपको बता दें, भारी विरोध और लंबी बहस के बाद ये बिल पास हो पाया। इसके पक्ष में 245 वोट पड़े, जबकि विरोध में 11 वोट पड़े। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बहस के बाद और वोटिंग से पहले सदन से वॉकआउट कर दिया। बिल पास होने के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ये कानून सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को रोड पर लाने के लिए है, उनको बर्बाद और कमजोर करना है, और जो मुस्लिम मर्द हैं उनको जेल में डालने का है। इस कानून का गलत इस्तेमाल होगा, आप देखना। आपको बता दें, इससे पहले इस बिल पर सदन में हुई बहस पर बोलते ओवैसी ने कहा, तलाक के कानून में हिंदू को 1 साल की सजा है और मुस्लिम को 3 साल की जेल क्यों? सबरीमाला पर फैसला आया तो आस्था की बात हुई। आपकी आस्था आस्था है, मेरी आस्था आस्था नहीं है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि आपने हर कानून को सही ठहराया है, केवल ट्रिपल तलाक को ही आपराधिक क्यों बनाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सरकार की मंशा मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की नहीं, बल्कि मुस्लिम पुरुषों को सजा दिलाने की है। तो ऐसे में ओवैसी ने सदन में जमकर हमला बोला, लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा में तीन तलाक का बिल पास हो गया। अब देखना होगा तीन तलाक पर क्या कानून लाए जाएंगे। आप भी इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा।